अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो कोई कुकिंग वीडियो नहीं है, कोई ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली एक रिव्यू है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मेकअप MN कॉस्मेटिक्स से, तो जो भी लोग उनसे शॉपिंग करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको एक अच्छा रिव्यू दे दूँ कि किस तरह की प्रोडक्ट्स वो भेजते हैं। उन्होंने मुझे जो पिक्चर सेंड की थी वो ये शो किया था कि ये जी ब्रांडेड हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और इस तरह, तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई। मैंने कहा अच्छी प्राइस में मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना इनसे ऑर्डर किया जाए। तो जैसे कि उनका नाम है MN ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, सो ऑफ कोर्स उनको ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स ही देनी चाहिए। तो इस तरह का मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जो कि मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन रिव्यू के लिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह मैंने ओपन किया तो ये इस तरह की स्लिप्स जो कि मैंने चीज़ें मंगवाई थी उनकी प्राइस के साथ स्लिप एक मौजूद थी, और ये तमाम चीज़ें थी उसमें। ठीक है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही होंगी, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें मैंने मंगवाई थी मेकअप से रिलेटेड। तो ये थे प्राइमर जो कि लिखा हुआ है जैसे कि फिट मी का ये प्राइमर है। ठीक है, HD प्राइमर मैंने उनसे मंगवाया था। देखने में तो बॉटल बहुत बड़ी थी, लेकिन ये जब आई तो छोटी सी थी, लेकिन खैर मुझे इसकी साइज़ पे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब ये मैंने प्राइमर कुछ ये देख लें, इस टाइप का निकला है, जो कि उसका टेक्स्चर भी इतना अच्छा नहीं है, अजीब सा कुछ लग रहा है। ये देखें, क्वालिटी वाइज मुझे ये नहीं अच्छा लगा, बहुत ही गंदी क्वालिटी थी इसकी। बिल्कुल इसी तरह का ये दूसरा प्राइमर था। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट कॉपी, मास्टर कॉपी भी नहीं, ये कहें कि थर्ड फोर्थ कॉपीज़ हैं इनकी। ठीक है, और इसी तरह का ये इन्होंने पहले तो मुझे कहा कि कुछ चीज़ें तो इनके पास अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है। ये इन्होंने मुझे क्या भेजा है, ये इन्होंने मुझे फाउंडेशन भेजा है। इसकी क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, इसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। पैकिंग में तो ये ठीक ही लग रहा है, लेकिन देखें इन्होंने इसके अंदर क्या डाला है। ये देखें, इस तरह की ये चीज़ थी, जैसे किसी ने खुद ही घर में ये बॉटल लेके और भर दिया हो ना, ऐसे जार सा लेके ये भरती हो। और ये जो कलर मैंने इनको बताए थे कि मुझे आपने इस तरह का भेजना है, वैसे इन्होंने भेजा भी नहीं है, डार्क शेड भेजा है। ये देखें, अजीब सा, और इसकी स्मेल इतनी बुरी है मेकअप की, बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब लगता ही नहीं है। ये ब्रांडेड तो दूर दूर तक लगता भी नहीं है, ये लोकल से भी इसकी बहुत बैड क्वालिटी है। इसी तरह ये देखें, इन्होंने मुझे कहा हमारे पास यार्डले का वाटरप्रूफ जो है वो मूस मौजूद है, ये इस तरह फाउंडेशन टाइप होता है, ये ब्राइडल बेस इन्होंने कहा। और ये देखें, अगर ये ब्रांडेड होता तो ये यार्डले की जगह इन्होंने यार्डले लिखा हुआ है, तो ये इस तरह ये फूल बना रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि ये हमारे पास ब्रांडेड चीज़ है। तो प्लीज़ आप ऑर्डर करने से पहले मेरी ये वीडियो देखें, मेरी तो इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया हो गए हैं, और जो मैंने वेट किया और सब कुछ, ही देखें ये कैसी ब्राइडल बेस है, ये फिंगर के साथ टच हुई हुई, और ये कितना अनहाइजेनिक है कि आप सबको स्वैच करने दें और इस तरह का अनहाइजेनिक और टेस्टेड मेकअप आप दूसरों को ऑनलाइन में भेज दें। ये भी रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, ये फिर उन्होंने फेयर एंड ब्यूटी बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली की होती है, ये फेयर एंड ब्यूटी की बीबी क्रीम भेजी है। इसको भी आप देख लें अंदर से, ये देखें पहले ऐसी शाइनी सी इन्होंने भेजी है ट्यूब, और उसके बाद ये देखें पिंक कलर की, इस तरह का ये है, ऐसे लगता है जैसे टूथपेस्ट हो, और इतनी गंदी इसकी स्मेल है। ये देखें, लगा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा कि आपने कुछ लगाया है या नहीं। ये भी इनकी फेल हो गई है। इसके अलावा मैंने इनके पास था ये आर्ट मेकअप ग्लो, ठीक है, ये हाइलाइटर है, लिक्विड हाइलाइटर, इसको चेक कर लेते हैं। चिपकी हुई पैकिंग है कि ये खुलता भी नहीं है ठीक से,
एनीवेज ये देखें आपके सामने मैंने खोला है और ये देखें आधे से ज़्यादा खाली है, बिल्कुल इन्होंने मुझे ड्राई दी है जो कि आधे से ज़्यादा खाली है। इसको हम खोल के भी चेक कर लेते हैं, ये देखें ये बिल्कुल सूखा हुआ है। ऐसे वीडियो में दिखाने में तो फिर भी बेहतर लगता है, लेकिन रियल में ही देखें अब ये लगाया है तो कोई भी फील नहीं आ रहा है। इधर से आपको लगता है कोई हाइलाइटर है या किसी किस्म की शाइन है? कुछ भी नहीं। ये भी इनका बहुत गंदी प्रोडक्ट थी। और इसके बाद ये हम मस्कारा चेक कर लेते हैं। मस्कारे की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा गंदी है, ये देखें बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है। और इनके मेकअप से स्मेल भी बहुत गंदी आती है, बहुत ज़्यादा गंदी। इसके अलावा इन्होंने मुझे ये एक फाउंडेशन था जिसके चार्जेस पहले तो इन्होंने मुझे कहा कि हमने जो ऑनलाइन में चार्जेस बताए हैं ठीक है वो उन कस्टमर्स के लिए हैं जो कि वहाँ पे विज़िट करेंगे, जबकि इन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि हम जो है वो सब के लिए सेम चार्जेस होंगे, चाहे ऑनलाइन वाले हों या जो ख़ुद विज़िट कर रहे हैं वो हों। तो फिर मैंने कहा कि हम लोग जब DC ख़ुद मैं पेमेंट कर रही हूँ तो फिर आपको तो उन्हीं प्राइस में देना चाहिए। खैर ये एग्री हो गए, लेकिन ये कह रहे थे कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये हम आपको उन रेट्स में नहीं देंगे। लेकिन जब ये आया तो ये देखें इसका, अब मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करवाती हूँ। ये देखें पहले तो निकलता ही नहीं है, ये देखें बिल्कुल खाली है। कितना भी प्रेस कर लें ये कोई ब्रांडेड मेकअप है, ये देखें निकल ही नहीं रहा, ये ड्राई हो गया। और इसकी ये देखें डैमेज ट्यूब। इसी तरह ये इन्होंने एक फाउंडेशन भेजा है, इसका भी कलर इन्होंने गलत भेजा है मुझे। और ये एक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ये सब इनके, ये था मेकअप फिक्सर नेचुरल प्योर स्किन ठीक है बायो एक्वा का। ये भी ओरिजिनल बायो एक्वा नहीं है, ये भी इसकी फेक प्रोडक्ट है एक ठीक है। ये आप इसका भी हाल देखें, पहले तो इसकी बॉटल देखें, ये बिल्कुल भी नहीं, और ये फिक्सर नहीं है, ये पानी है, ये कलर्ड सा पानी इन्होंने डाला हुआ है। ये देखें बस एक स्प्रे बॉटल है, स्प्रे बॉटल भी ये देखिए स्प्रे होता ही नहीं है, अभी जाके स्प्रे हुआ और ये बिल्कुल पानी वाला है। इसकी स्मेल भी इतनी बुरी है, वीडियो में आपको स्मेल तो नहीं आ सकती, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया है। इसके अलावा ये एक और हाइलाइटर था, ये भी इसी तरह का ड्राई है, ये भी मैंने ओपन किया था, ये देख लें आधे से ज़्यादा ये भी ड्राई है। इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन में भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जो खुद विज़िट करते हैं उनके साथ क्या है, लेकिन ये फेक प्रोडक्ट्स हैं सारी। तो प्लीज़ अब अपने पैसे ज़ाया ना करें। ये मैंने पेंसिल मंगवाई थी इनसे, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आईब्रो पेंसिल है और ये देखें इसका कोई मार्क ही नहीं है, ये बिल्कुल फजूल और मेरे किसी काम की भी नहीं है। इसके अलावा ये मैंने मिनी आई शेडो पैलेट ऑर्डर की थी इनसे, इसको भी देख लेते हैं। पहले तो इन्होंने वो शेड्स भेजे नहीं हैं जो मुझे चाहिए थे, और फिर उसके बाद इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ से ये देखें हमने जैसा ये स्वैच किया ठीक है, यहाँ पे करें तो ये आई शेडो यहीं पे रह गया, और आप फिर इसको मिक्सअप करते रहें ठीक है, ये ब्लेंड नहीं होगा बहुत भी करें तो। और इसको खोलें तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि पता नहीं ये किस चीज़ की इन्होंने बनाई हुई है। सो मैं इनकी प्रोडक्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, और जिस तरह इन्होंने कहा था कि हमारी ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी, ये नहीं, ये देख लें ये मेरे लिए कचरे का ढेर है। मैं तो अपनी स्किन पे कभी भी इस तरह की प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करूँगी,
और आप अच्छी चीज़ लें, ब्रांडेड चीज़ लें, चाहे एक ही चीज़ लें, लेकिन प्लीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले रिव्यू ज़रूर चेक किया करें। ये देखें, अभी मैं तो इन्हें डस्टबिन में फेंकने के लिए जा रही हूँ, और मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट लें। आपकी स्किन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार बार आपको ये स्किन नहीं मिलती, तो अपनी स्किन की बहुत हिफाजत करें। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और नेचुरल चीज़ें स्किन के लिए, केयर के लिए तो मैं नेचुरली चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है मेकअप होता है, किसी की शादी पे जाना होता है, कहीं कोई फंक्शन पार्टी होती है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम कोई छोटी मोटी चीज़ें लगा लें। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आपको इन प्रोडक्ट्स की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी लें, एक दो चीज़ें लें, अच्छी लें, ब्रांडेड लें, क्वालिटी की लें। ये एक लास्ट प्रोडक्ट रह गई थी जो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, ये इनका कॉम्पैक्ट पाउडर था जो हुदा ब्यूटी का इन्होंने मुझे बताया कि वो है और 5-in-1 है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी मैं हाथ से चेक करवा लेती हूँ। 5-in-1 कहने में तो बहुत अच्छा है, बाहर देखें हुदा ब्यूटी और अंदर क्या है, 7 Cool, जो आपके सामने है, ठीक है। मतलब इन्होंने उनके बॉक्सेस को भी वो नहीं किया ना, ये इस तरह की वो है, इस तरह का ये 5-in-1 था, ठीक है। ये इस तरह के बने हुए हैं और ये था, ठीक है। जबकि इसकी इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी, जैसे कोई अगरबत्ती लगा ली हो, कुछ लगा ली। और ये देखें, ये देखें, हालांकि ग्लिटर वाला है लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये भी मेरे लिए फजूल था, क्योंकि स्मेल से ही पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इन्होंने पता नहीं क्या उसके अंदर मिक्स किया। तो ये सब मैं फेंक रही हूँ डस्टबिन में, और मेरे सारे पैसे हो चुके हैं ज़ाया, और मैं नहीं चाहती कि आपके भी पैसे इसी तरह ज़ाया हों और आप भी गंदी प्रोडक्ट्स लें। काइंडली एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कर लिया करें, या फिर उस शॉप का रिव्यू चेक कर लिया करें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी और का भी एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, ताकि लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।